नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा डिजिटल पॉइंट पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी USB ड्राइव में आप कॉपीराइट प्रोटेक्शन को कैसे इनेबल करेंगे। इस तरीके का यूज़ करके आप अपनी पेन ड्राइव को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका डाटा कोई कॉपी नहीं कर पाएगा या कोई डिलीट भी नहीं कर पाएगा। तो आइए कंटिन्यू करते इस वीडियो को और देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले आप टास्क बार में सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे CMD। अब आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप एक कमांड टाइप करेंगे जो है डिस्क पार्ट, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप डिस्क पार्ट में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक कमांड फिर से टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब एंटर प्रेस करते ही आपके सामने जितने भी आपने USB ड्राइव्स और हार्ड डिस्क वगैरह लगा रखे होंगे वो सारे की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एक USB ड्राइव लगा रखा है जो डिस्क 1 है, और डिस्क 0 हमारी मेन हार्ड डिस्क है। अब जैसे यहाँ पे हम डिस्क 1 पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन को ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक कमांड टाइप करेंगे सेलेक्ट डिस्क 1 और एंटर प्रेस करेंगे। अब आपकी डिस्क 1 सेलेक्ट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो डिस्क है वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑन है उस पर या नहीं ऑन है। तो इसके लिए सबसे पहले कमांड टाइप करेंगे एट्रीब्यूट्स डिस्क और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि आपकी USB ड्राइव पे रीड ओनली इनेबल है या नहीं है। तो यहाँ से आप देख लेंगे, जैसे हमारे अभी ड्राइव में रीड ओनली नो लिखा हुआ है, तो इसको इनेबल करने के लिए हम फिर से एक कमांड टाइप करेंगे एट्रीब्यूट्स डिस्क सेट रीड ओनली, और इसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। अब आपके डिस्क में रीड ओनली इनेबल हो जाएगा। अब आपके USB ड्राइव से कोई भी डाटा डिलीट नहीं कर पाएगा। अब यह चेक करने के लिए कि आपकी USB ड्राइव में रीड ओनली इनेबल हो गया है या नहीं, तो इसके लिए आप फिर से एट्रीब्यूट्स डिस्क कमांड को टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा शो करेगी, जिसमें आपको यहाँ पर रीड ओनली स्टेट यस दिखाई देगा। अभी इन केस बाद में आप फिर से डाटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको रीड ओनली प्रोटेक्शन को हटाना होगा। इसके लिए आप फिर से कमांड को टाइप करेंगे एट्रीब्यूट डिस्क क्लियर रीड ओनली और एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे आपकी पेन ड्राइव जैसे पहले थी वैसी ही हो जाएगी, जिसमें आप डाटा डिलीट कर सकते हैं, डाटा ऐड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।